अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में ऐसे खुश रखे और आबाद रखे। आमीन सुमा। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो अब जाकर देख लें। कल मैं बाज़ार गई थी तो मैं कुछ चीज़ें लाई थी, तो आज मैं आपके साथ वह शेयर करने लगी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये फ़्रॉक है मेरी बेटी का, मैंने गोल्डन कलर में लिया था, और साथ ही मैचिंग शूज़ है, हर चीज़ उसकी मैच ही की है साथ, और साथ उसके जो पोनी वगैरह होती है, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की होती है, वो सब मैंने ले ली थी, वो साथ में ही थी, और तो उसने भी पसंद की हर चीज़ ली है। ये छोटी छोटी पोनियाँ इतनी महंगी आई है, ये टोल वाली जो पोनी है ना, जो 60 की आई है, मैं सुन के हैरान हो गई, इतनी महंगाई हो गई है। हालांकि ये किसी ज़माने में मुझे 10 की थी होती, ये डोल वाली पोनी, और दूसरी पोनी भी 60 की थी, जो चूड़ियाँ 30 की थी, और जो ये था ना क्राउन, ये 300 का ली है। बहुत ही महंगाई हो गई है, इंसान सड़ पकड़ के बैठा होता है, इतनी महंगाई। ये जो शॉपिंग मैंने की है, मैं आपको बताती हूँ मैं कितने पैसे लेकर गई थी, और तकरीबन बच्चों की शॉपिंग हुई है उसमें। और जो मेरे छोटे बेटे का है, उसकी मैंने ये पैंट कोट लिया था, और बड़े की पैंट शर्ट ली थी। बच्चों को तो, जो बेटों के तो इतनी चीज़ें नहीं होती, बेटियों की ज़्यादा होती हैं। मेरा बेटा कहता, मम्मा आप इसका इतना कुछ लेकर आई हो। मैं कहा, अच्छा आप तो लड़के हो, आपने जो चूड़ियाँ पहननी हैं। फिर हंसने लग गया, मेरे को उसके साथ चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, चलो आप की पैंट शर्ट लेकर आई हूँ मैं। और ये मेरा एड्रेस है, मेरे एड्रेस मेरी सिस्टर ने ना गिफ्ट किया है मुझे, वो लेकर आई थी स्टिच करके मेरे लिए। आप बताइएगा आपको अच्छा लगा कि नहीं। इसका जो स्टफ़ है ना, वो टिशू में लग रहा है मुझे, तो आप बताइए। ये टिशू का ही कपड़ा है ना, और इसके ऊपर सितारे का काम है, और थोड़ी सी कढ़ाई वगैरह भी हुई है। देखने में कलर भी अच्छा है, गोल्डन सा, और वैसे मैंने चेक किया था, पहनने में फ़िटिंग भी मुझे ना ठीक लगी है। ये मेरी छोटी सिस्टर है, उसने मुझे गिफ्ट किया था, तो वो लिख रही थी सिलाई करके मेरे लिए, तो फिर मुझे अच्छा लगा। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखा दिया था, वो भी कह रहे थे हाँ अच्छा है, बस अब इसके साथ का शूज़ लेना है मैंने। ये कुछ चीज़ें मैं लाई थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, ज़ाहिर उन्हें लंच बॉक्स में कुछ ना कुछ देना होता है, वो कहते हैं बस मम्मा कुछ नया हो, रोटी ना हो हमारे लंच बॉक्स में, नया से नया हो। थोड़ी सी मैक्रोनी ली थी मैंने, ये पापड़ वगैरह थे, और जो गिफ्ट पेपर है, ये हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैंने उसके लिए ना गिफ्ट पैक करने हैं। और जो मैं स्टैंड लिया है केक स्टैंड, मैंने केक बनाती हूँ ना घर में, उससे बच्चों के लिए, तो फिर मैंने कहा स्टैंड चाहिए होता है जब हम बगैर ओवन के केक बनाते हैं तो बेक करने के लिए। और जो मैंने लिया था वो कटिंग, सॉरी कद्दूकश वाला जो होता है कटर, बस छोटी मोटी चीज़ें से इतना खर्चा हो जाता है। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ना वो एनर्जी बॉल्स की रेसिपी शेयर करूँगी बहुत जल्द, जो बहुत उसके फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप मेरी वीडियो वो ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो फुल वॉच करना, और लाइक भी कर देना वीडियो अच्छी लगी है तो, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर भी कर देना। ड्राई फ्रूट में खजूर है, फूल मखाने, बादाम, अखरोट और कोकोनट में ना कद्दूकश करके ले आई थी। और फिर उसके बाद मैंने, ये वीडियो मेरी अम्मी के घर की ही है, तो उस दिन मैंने आपको बताया था मैं दो डिशें बनाई थी शाम को, मैंने ना क्लब सैंडविच बनाए थे, तो बच्चों की ना पार्टी थी उसके लिए, तो मैं क्या आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। नहीं ईजी है ये ना, आप बना के ना फ्रिज में रख सकते हैं आराम से, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके लिए जो मैंने इसके लिए फीलिंग तैयार की थी, उसके लिए मैंने क्रीम ली थी, और उसके अंदर मैंने आप कोई भी सब्ज़ी डाल दे। मैंने बच्चों से पूछा था आप क्या शौक से खाते हो, कहते हैं पुप्पो हम लोग ज़्यादा आलू खीरा बंद गोभी और काजू का हम नहीं खाते थे शौक से, तो मैंने उस हिसाब से फीलिंग तैयार की थी। आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, आप चिकन भी इसमें ऐड कर सकते हो। फिर मैंने उनके लिए उस हिसाब से बनाए थे, क्योंकि बच्चों ने खाने थे, उनकी छोटी सी पार्टी थी। और फिर मैंने क्रीम ली थी, उसमें मैंने आलू बॉयल कर डाल दिए, खीरे काट कर डाल दिए, काली मिर्च और नमक, और उसके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मेरी भतीजी है ना, उसकी सालगिरह थी उस दिन, तो उसके दोस्त ने ना उसके लिए पार्टी अरेंज की थी, तो वो लोग घर से सैंडविच बना के लेके जा रहे थे। बाकी उसकी फ्रेंड ने केक बनाया था और राइस वगैरह बनाए थे। उसके छोटे से क्लिप हैं, मैंने ऐड किए हैं वीडियो के लास्ट में, आप देखना और बताना आपको कैसी लगी उनकी पार्टी। सैंडविच के लिए मैंने एक सॉस बनाई थी, ये मेरी अपनी सॉस बनी हुई है, और ये इतनी मज़े की बनी थी, मैंने कहा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैंने ली थी मायो, केचप और ग्रीन चटनी, इन तीनों को मिक्स कर दिया था, और थोड़ी सी नमक और काली मिर्च भी ऐड कर दी थी। अगर आप इसको थोड़ी रनी करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दे, और ये बहुत मज़े की बनेगी ये सॉस। और आप इसको ना सैंडविच में अप्लाई करना है, हमने इसको बच्चों के लिए बनाई थी इसलिए मैंने स्पाइसेस कम रखे थे, और बच्चों को इतने अच्छे लगे, और कहती पप्पा बहुत अच्छे बने हैं सैंडविच। तो मेरी भांजी भी आ गई थी बड़ी वाली, तो उन्होंने भी चेक किए थे, बड़ी बाजी भी आई थी, बड़ी बाजी उधर ही रहती है बुलों के घर के पास, तो वो लोग जब हम लोग जाते हैं सब बहनें तो वो मिलने आ जाती है। ब्रेड को ना पहले मैंने सारी ब्रेड्स को ना काट लिया था, मैंने इस शेप में काटा था,
चकोर में, आप चाहे तो ट्राइंगल काट ले, गोल काट रहे हो, लेकिन गोल से ना ब्रेड बहुत वेस्ट होती है। तो मैंने इस तरीके से काटे थे, मैंने बच्चों से पूछा था कौन सी शेप बनाओ, कहते पप्पो ये वाली बना दे, तो मैं इस शेप से बना कर सारी डबल रोटी तकरीबन 16 मैंने बनाने थे सैंडविच, तो मैंने सारे पहले काट के रख लिए, फिर उसके बाद उसकी फिलिंग मैंने की। ये मैंने ब्रेड के दो पीस ले लिए, इन दोनों पर मैं सॉस लगाऊंगी जो मैंने माया और केचप की साथ बनाई है, क्रीम चटनी डाल के दोनों ब्रेड के पीसेस पे आपने अच्छी तरीके से अप्लाई कर दे रही है चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से। मेरे पास चम्मच था तो मैं इसकी मदद से दोनों पे अप्लाई कर रही हूँ। जब ये अप्लाई हो जाएगी उसके बाद हम फिलिंग इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू और खीरे वाली, और इसके बाद इसे बस बंद कर देना और ना इसे हमने गर्म करना है, क्योंकि ये क्लब सैंडविच है, ये ऐसे ही खाए जाते हैं। और आप इसको ना बना के फ्रिज में रख सकते हैं, उसमें बच्चों को लंच बॉक्स में आराम से दे दें। आप इन सैंडविच को बना कर ना रैप भी कर सकते हैं और फिर रख लें, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, कोई मेहमान वगैरह आ जाए उसके लिए भी। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रखने, बस एक दो दिन के लिए, और बाकी आप फ्रेश बना सकते हैं या फिलिंग तैयार करके घर में रख लें सॉस भी, और जब कोई मेहमान वगैरह आए तो बस इसे ऐसे फिल करके और दे दें, पेश करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, आप जब जानते होगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें और फुल वॉच करें, ताकि वो टाइम भी कंप्लीट हो जाए और मुझे भी कुछ मेहनत वसूल हो जाए, मेरी भी थोड़ी बहुत। और ये देखो मैंने तकरीबन सारे सैंडविच तैयार कर दिए हैं। वो अब छोटी जो मेरी थी ना भतीजी, वो कह रही थी फुप्पो हम मैं लेके जाने लगी हूँ, तो मैं चलो ठीक है, मैंने इसका ना फाइनल क्लिप ले लूँ ताकि मैं ना ऐड कर लूँ अपनी वीडियो में। और ये थी मेरी आज की वीडियो, ये जो पार्टी की कब आएंगे सारे उनके देखे और बताना उन्होंने बच्चों ने क्या कुछ किया है अपनी पार्टी अरेंज करी, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट भी खुद ही अरेंज किए बनाए थे घर में। और मैं आपसे जाना चाहती हूँ कि अल्लाह हाफिज़। मुझे कॉपी मिलेगी किसी तरह से, मेरे काम आ जाएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारी डियर आयशा। आयशा अभी ये किसी ने दिया है, गिफ्ट खोले पहले कार्ड। मैंने भी दिए थी, लेकिन उधर अपनी तरफ मुंह देखो, भाई का नाम सुन लो। वो कैसे देख रही है, आई लव यू। नहीं देना सारे इधर देखो। दोबारा बोलो।